वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा'स क्रिएटिव लाइफ एंड दिस इज मी योर नेहा। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ एंड होपफुली आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं वापस आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और ये वीडियो है मेरा व्लॉग वीडियो। तो आज का ये व्लॉग है वेडनेसडे का जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 11 और मैं इसलिए इस व्लॉग को आज स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आज का लंच मैं बनाऊँगी, तो कुकिंग मैं करने वाली हूँ। यस खाली हूँ और इसलिए आज मैंने मम्मी को एकदम फ्री रखा है, छुट्टी दे दिया है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मम्मी को बुलाती रहूँगी कि कैसा बना है क्या नहीं, ये दिखाने के लिए। अदरवाइज़ आज का कुकिंग मैंने ही डिसाइड किया है कि मैं बनाऊँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ, एक यूट्यूब से मैंने रेसिपीज़ देखी है इनकी, मैंने पहले कभी इस डिश को ट्राई नहीं किया है, बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और जो इंग्रेडिएंट मेरा मेन किंग इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट भी मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं उससे कुछ ऐसा नया डिश बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ गोंधोराज लेबू चिकन एंड बासुंती पुलाव, ऐसा बंगाली एक्सेंट में कहते हैं। हम क्या कहते हैं हिंदी में ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चालू लैंग्वेज में यही सुनते हैं कि गोंधोराज लेबू चिकन और बासुंती पुलाव, हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। इसका हिंदी वर्जन क्या होगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो एनीवेज, मुझे ये बहुत दिनों से ट्राई करने का मन था, खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा था, क्योंकि अभी मार्केट में गोंधोराज लेबू बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ वेस्ट बंगाल में। बाकी स्टेट्स में मिलता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मिलता होगा तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और क्योंकि पुलाव जो है वो हल्का मीठा होता है और उसके साथ ऐसे ऐसा थोड़ा खटास में जो चिकन बनता है उसमें बहुत सारा फ्लेवर रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में। बंगाली लोग भी इसको ज़्यादातर इसी के साथ खाते हैं, ऐसा मैंने YouTube वीडियोस पे देखा है। अब रियलिटी में मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत ज़्यादा बंगाली सर्कल नहीं है मेरा, लेकिन क्योंकि मैं ब्रॉट अप हूँ वेस्ट बंगाल में ही, तो मुझे हर तरह का चीज़ पता है उन लोगों का। एनीवे, वैसे मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ, ओके मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ, ज़्यादा कुकिंग मेरी बहन करती है, मुझसे ज़्यादा कुकिंग वही करती है, तो उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा भी आता है खाना बनाना। तो आज का जो डिश है उस पर वो भी मुझे असिस्ट करने वाली है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और मेरी मम्मी जो है वो हम लोगों से बहुत डरती है कि पता नहीं हम लोग क्या, स्पेशली मुझसे बहुत डरती है कि पता नहीं मैं क्या ही बना दूंगी डिश का। लेकिन मैं वैसे शॉर्ट्स पे बहुत सारे अपने कुकिंग वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि शॉर्ट्स की ऑडियंस वीडियोस पे आते नहीं है यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे, और लॉन्ग वीडियोस की ऑडियंस शॉर्ट्स पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। लेकिन हाँ, मैं अपने कुछ कुकिंग वीडियोस उसमें शेयर करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, कभी कभी खुद से कुछ बनाना अच्छा लगता है। लेकिन बहुत इंटरेस्ट है ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि एकदम खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरी बहन जो भी कुछ बनाती रहती है मैं वो खाती रहती हूँ बिल्कुल आराम से, मज़े ले लेकर बैठ कर, और वो उसे भी अच्छा लगता है कि मैं उसके रिव्यू देती हूँ और बना खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। क्योंकि मम्मी को तो हम दोनों का ही खाना में कुछ ना कुछ ऐसा खोट लगता ही है, क्योंकि वो शेफ लेवल की है, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड शी कुक्स रियली वेल। उसी का ही जीन पूरा मेरी बहन पर भी आया है, उन्हीं का ही जीन, तो शी कुक्स रियली वेल, इसलिए उनको जितना भी परफेक्ट भी हो जाए फिर भी उनको कुछ ना कुछ हल्का सा लगता ही रहेगा, जो जिसमें परफेक्ट होता है उसे ऐसा होता ही है। तो एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। और अगर आपको पता है मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे, मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है देखना, तो आपको कर देना है लाइक मेरे वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा। अगर आप इस रेसिपी को मेरे रिक्रिएट करेंगे या फिर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी और माय सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका मैरिनेशन रेडी कर लेना है। तो मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, उस पर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे इस लेमन का जेस्ट, और यही हमारा की लेमन है जो मैंने कहा था गोंधोराज लेबू, ये वही लेमन है, इतना बड़ा सा होता है और इसका आपको जेस्ट लेना है। वाइट पार्ट जो है उसका बिल्कुल नहीं लेना है, वरना पूरा डिश
पीता हो जाएगा, बहुत कड़वा लगने लगेगा। उसके बाद उसी का ही आपको जूस भी ले लेना है मैरिनेशन में। और शुगर, शुगर बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप खटाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपका जो है टेस्ट हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी लूँगी मैरिनेशन के लिए। और अब हम ऐड कर देंगे अपना चिकन का पीसेस। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 700 ग्राम्स चिकन लिया है, तो आपका जिस तरह का भी जितना भी क्वांटिटी होगा उस हिसाब का आप मैरिनेशन कराइएगा। तो मैं सिर्फ कोट करूँगी और इसे हाफ एन आवर के लिए ढककर ऐसे ही रख दूँगी, ताकि उसमें अच्छे से सारा जूस जो है अंदर चला जाए और चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाए। तो तब तक हम अपनी पुलाव के लिए रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल लिया है पुलाव का, और उस पर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, घी, और ऐड करूँगी हल्दी का पाउडर। उसके बाद मुझे अच्छे से उसे मिला करके सेट असाइड कर देना है। और अब हम अपनी चिकन का प्रिपरेशन करेंगे। तो चिकन में बनाने के लिए मैंने कढ़ाई पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, और उस पर सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। और अब मैंने ऑनियन का पेस्ट किया है, और पेस्ट करके ही डालना है, सारा गोटा गोटा नहीं डालना है। इस डिश पर ऐसे ही पड़ता है, तो आप सारे चीज़ का पेस्ट डालिएगा, ऑनियन का, टमाटो का। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ चिलीज़ को भी मैंने ग्राइंड करके डाला है, ताकि कुछ भी ऐसे गोटा सा मुंह में ना रहे। तो ग्रेवी बहुत अच्छी थिक और क्रीमी बनती है इससे। उसके बाद आपको मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल देना है, और आपको अच्छे से पकाना है। जितना आप अच्छे से कसेंगे सब्ज़ी को, उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जीरा धनिया का पाउडर और मिर्ची पाउडर, और फिर से इसे मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके सारे मसाले ओकेजनली आपको स्टर करते रहना है अपने चिकन को। और अब मैं ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरे इस पर। तो मैंने जैसे कि कहा था, सारा कुछ आपको पेस्ट के हिसाब से डालना है, आपको गोटा नहीं डालना है। इसके बाद इस पर ऐड कर देंगे हम पानी पकने के लिए, और थोड़े जो बचे हुए लेमन है उसका भी सारा जूस मैं इस पर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी कटी हुई धनिया, और खड़े मिर्चे को ऐसे ही चीरा लगा कर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे कच्चे मिर्ची का। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने पुलाव फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पर अपना चिकन रेडी हो रहा है, मेरा पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पे पुलाव बना ले रही हूँ। तो पुलाव पे हमने डाले हैं खड़े मसाले, उसके बाद काजू किशमिश। काजू किशमिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बासुंती पुलाव में, क्योंकि हल्का सा मीठा मीठा होता है और इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो घी पर आपको पकाना है इसे। अगर आप नहीं चाहते हैं घी का, आपको स्मेल अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने पानी डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिया था चावल, और उस पर मैंने उस हिसाब से पानी डाला है कुकर पे। और उसके बाद मैंने ऐड किया उसमें नमक, चीनी, नींबू इसलिए ताकि चावल बहुत फरफर हो। और यहाँ तब तक देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से पक गया है, साइड से ऑयल छोड़ने लगा है, ऊपर आ चुका है ऑयल। इसका मतलब है आपका चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। देख सकते हैं आप पीसेस कितने अच्छे टेंडर हो चुके हैं। अब हमारा डिश तैयार हो गया है, तो इसे टेस्ट करने की बारी है। और ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से हड्डी छोड़ रहा है। इसका यानी कि मतलब है आपका चिकन बहुत अच्छे से पका है, और आप इन्जॉय करिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये डिश। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने देखा कि टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी आया था और चिकन बहुत अच्छे से पक गया था, इस क्योंकि वो हड्डी एकदम आराम से उसका बोन छोड़ रहा था। तो आपको समझ जाना है कि चिकन तब एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। और पुलाव का तो आप कलर देखे ही, मेरी मम्मी ने ही बनाया। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब मुझे मम्मी को बुलाना पड़ेगा, तो आपने देखा कि पुलाव मेरी मम्मी ने ही बनाया, क्योंकि ये बहुत फर्स्ट टाइम था। चिकन फिर भी मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन राइस का जो होता है, कितना पानी डालना है, कैसा मिक्सचर करना है, वो मुझे हल्का लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने मम्मी को बुलाया था। अदरवाइज़ क्वांटिटी जो है मम्मी बता देती है कि एक कप आपको चावल डालना है तो 2 ग्लास पानी डालना है, 2 ग्लास चावल डालना है तो 4 ग्लास पानी डालना है, या 3 ग्लास समथिंग होता है ऐसा। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा मुझसे हो ही जाता है गलती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं पुलाव बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो आपने देखा कि राइस कितना अच्छा था, कितना कैसे कहते हैं उसे, फरफर था राइस। उसके साथ मैंने सलाड्स लिए थे, और मम्मी ने प्याज का भजिया बनाया था, ऑमलेट बनाया था।
तो ये सब के साथ ही मैंने आज का मील अपना एंजॉय किया, मतलब हम सभी ने। और अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक होगा उसके साथ, मील के साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो बिल्कुल मतलब चार चांद लग जाएंगे। तो ज़रूर रखिएगा, अगर कोल्ड ड्रिंक आप रख सकते हैं तो, अदरवाइज़ आप सिर्फ उसके साथ खाते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ। मैं ऐसा कुछ अपना कुकिंग का ये फर्स्ट टाइम शेयर कर रही थी ऐसा लॉन्ग वीडियो पे। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स पे बस अपलोड किए हैं छोटे मोटे से, मैं जो भी बनाती रहती हूँ उसे, लेकिन ऐसे प्रॉपर लॉन्ग वीडियो पे एक्सप्लेन करके कुछ बनाना ये मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये शूट करने में और ये अपलोड करने में। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड यस, subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get notified whenever I post any such new videos. So until we meet next time, bye bye.